Telangana Home Minister N. Narasimha Reddy distributed checks to women who applied for Kalyan Lakshmi and Shadi Mubarak schemes in Murshidabad division of Hyderabad. The move aims to support people of financially backward sections to conduct marriage of their daughters. While talking to the media persons, Reddy said the government has increased the amount to Rs. 75,000, which earlier was Rs. 51,000. हमारा सीएम साहब तेलंगाना आंदोलन में गांव-गांव फिर रहे, जब लोग शादी करना हमारे लिए मुश्किल है, लंबाड़े लोग तो बच्चों को बेच रहे थे, ये सुनने के बाद केसीआर साहब ने डिसीजन लिया, अपना गवर्नमेंट आने के बाद इनके बारे में कुछ तो भी करना है बोल के डिसीजन लिए। इसके बाद गवर्नमेंट आते ही कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक, मुसलमान बच्ची बच्चियों के लिए शादी होता है तो 51,000 रुपीस देते थे, वो कल्याण लक्ष्मी के नाम से 51,000 रुपीस देते थे। अब ये मार्च के बाद इस साल बजट में 75,116 रुपीस शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के नाम से देने का डिसीजन लिए, अभी देर है। मार्च के बाद जिसका शादी होगा उसको 75,116 रुपीस मिलेगा। He further praised Chief Minister K. Chandrasekhar Rao for their welfare schemes.